और आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट जिसका नाम है अदीप भाई। स्वागत है आज किसी ग्रुप में। ये जो अभी बंदा बैठा है ना मेरे आगे, एकदम काला वाला जम्पर, काला वाला देख, ब्लैक लवर ये। और आज हमारे हमारे साथी में ये जुड़े है तो जो बोगरी घूमने के लिए, तो सब लोग जा रहे हैं। तो यहाँ आगे में तो दो बंदा अनमोल और सज्ञा इसका नाम हाँ मजदेखि भन्ने गएको थियो लाग्छ तिमीलाई त्यत्रो त्यति पर अढाई मिनट अढाई किलोमिटर तर लाग्छ तिमीलाई त्यत्रो लाग्दैन अनि अढाई किलोमिटर कि डेढ किलोमिटर डेढ किलोमिटर कसमा चाहिँ केटाले भन्छ तिन किलोमिटर केटाले ढाँटेको नै सानो है। इतने किलोमीटर के बारे में क्या ख्याल है आपके पास? क्या ख्याल है भाई हा? क्या ख्याल है आपको? ये गाइड बोल रहा है ये ऊपर तीन किलोमीटर जाने के बाद अच्छा से व्यू अच्छा से मिलेगा। देखते हैं ये गाइड झूठ बोल रहा है कि नहीं। ऊपर में व्यू मिलेगा, अच्छा मिलेगा, काफ़ी अच्छा मिलेगा। ऊपर में आपको मंदिर भी मिलेगा, बड़ा सा एक मंदिर जो माता का मंदिर है। और आपको आज जब जाने कितने इंटरेस्टिंग हो रहा है, कितने मन खुश हो रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्या लगता है आपको ऊपर जाने में कितना व्यू मिलता है? तुम बता रहे हो वहाँ पर स्विमिंग पूल है एक बड़ा सा है ना, चलो वो देख रहे हैं व्यू देखने। हाँ वहाँ पर आप स्विमिंग लगाओगे? स्विमिंग खेलेंगे। हाँ ठीक है, ट्यूब भी मैनेज कर देंगे वहाँ पर जाकर। यहाँ पर कितना टेम्परेचर ये बता सकते आप? नहीं बाबा हम नहीं बता सकते। मतलब ये पेड़ है ना एकदम सूखा पड़ा है, ये पहले के टाइम में ये बहुत बुढ़ा हो गया है। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा पाइन ट्री है कि यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो अंत एक्सीडेंट जी को बिहाइंड द सीन कर दे ना, यहाँ शूटिंग करे जगह। देखिए ये जो जंगल है ना आप तो एक्सीडेंट जी का जो बुद्ध मनी का रात का जो एपिसोड है ना तो वहीं पर यहीं पर शूटिंग हुआ था। क्या बोलते आप? ठीक है ना, क्या बोलते पब्लिक को फैंसरलाई यहीं पर तो शूटिंग किया था, लेकिन यहाँ पर रियल में रात में चलने से आपको भूत नहीं लगता। यहाँ चुड़ैल मिल सकता है, एकदम सफेद सफेद कपड़ा लगाकर एकदम आपको यही जैसा ये ताइवान का भूत। अभी ताइवान को दिखाते हैं, ताइवान का दिखाता हूँ आपको। अभी ये ताइवान से वो पूरा इंडिया इंडोनेशिया का ये बंदा, ये मुझे क्या बोल रहे हैं? कहाँ से छूट के आया ये? ये बंदा मुझे क्या बोल रहा है? ये मुझे बोल रहे हैं अभी पाकिस्तानी बोल रहे हैं भैया जी। अब ये भूतों के संदर्भ में आपको क्या ख्याल है? यहाँ पर एकदम ज़्यादा देते हैं, एकदम ज़्यादा कपूर है यहाँ पर एकदम। पर जोरबर्ग देखि चट्टे तल सीमा को रोड निकले उता के ननिक्ली उत अब ये भोसरी के अभी आज आज के हमें ट्रेल में बताऊँ मैं गाइड हूँ ना। तो खुद ट्रेल बना है तो खुद रास्ता चुन चुन रहे। अरे मैं तेरे को गाइड कर रहा हूँ आज का रूट ऐसा है मेरे बात सुन। अभी हम यहाँ से सीधा जाएंगे, बोल रहे थे सुखिया पकड़ी से जल पकड़ी 3 किलोमीटर, लेकिन मुझे लक नहीं रहा 3 किलोमीटर पूरा है। मेरे ख्याल से यहाँ कम से कम 2 किलोमीटर ना इसके आसपास होंगे, 2 किलोमीटर के आसपास में होंगे। अरे भैया मुझे क्यों पूछ रहे है? आप गाइड है हमको मत पूछो। अभी इस नवंबर के अंतिम टाइम में फिर इस तरह का यहाँ मौसम मिलता है तो बहुत यहाँ पर ठंडी होती है। यहाँ पर पूरा फग लग रहा है, तो सामने में जो बंदा आ रहा है उसको भी देखने में काफ़ी दिक्कत होता है। अब प्रभु शांति इतनी ज़्यादा ग्रेप यर्ड्स एकदम कब्रिस्तान लग रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सालों साल अराउंड 50 ईयर्स हैगो यहाँ पर जो यहाँ पर बैठा है सुखिया पोखरी में लोग ये सब यहीं पर दफन कर दिया जाता है। कोई अपने खुद का जमीन नहीं तो सब यहाँ पर दिखा दफना देता है। Thank you.
एकदम धुबड़ी धुबड़ी गाड़ी भी काफी यहाँ चलता है। गाड़ी पर अब एकदम ज्यादा जान है टूरिस्ट गाड़ी बेला होना पौडी भन्दा दामी जग्गा घुम्ने एकदम दामी एकदम पिस जग्गा हो एकदम शान्ति कसले पास जस्तै हाम्रो अदिप राठौरले अब के भन्न चाहन्छ अदिप के भन्न चाहँदैन त्यही बाँकीमा जो दो घन्टा बजाए अब यहाँ मैं सिर्फ पाइन ट्री आपको दिखा रहा हूँ एकदम भयना कहने रास्ता तो देखने में लगता है कि यहाँ पर भूत रहता शायद यहाँ पर रात को तो भूत मिलता होगा जरूर मिलता एकदम भूत मिलता होगा देखिए कितना घना जंगल लग रहा है सुनसान अगर कोई अब चाहिँ हामी जब गएको उसलाई भवन भवत सर्वमङ्गलम सिकाउने यो मन्दिर आए। हेलो साथी हो, मेरो नाम अश्विन र म अहिले जोरपोखरीमा र देख्नुहुँदैछ तपाईँले राम्रो राम्रो यहाँ जोरपोखरीको मन्दिरहरू। यहाँ टुरिस्टहरू पुरा आउँछ यहाँनिर हेर्नुको लागि। राम्रा राम्रा मन्दिरहरू र राम्रा राम्रा यहाँ पार्किङ गर्ने जग्गा। यहाँ ठुलो मन्दिर तल तपाईँले जोरपोखरीमा सोध्नुहोस् मन्दिर कत्रो ठुलो भनेर। यहाँनिर राम्रा राम्रा स्टोरहरू छ नि र निकैवटा, तर अहिले बन्द के को कारणले थाहा भएन त्यो चाहिँ सरी त्यो चाहिँ तपाईँलाई भन्न सकिनँ। र अब यस्तै मात्रै बाटो छ, एकछिन पस गरिदिउँ होला र फेरि कन्टिन्यू गरौँ होइन। र केटाहरू स्विमिङ खेल्छ अरे यहाँनिर भन्दै थियो, यहाँनिर स्विमिङ खेल्छु भन्दै थियो। हेरौँ हाफप्यान्ट पनि दिन्छु भन्दैछ, यहाँनिर अभाइलेबल छ तपाईँहरू खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ छ। गाइस अब हामी होइन खास जोरपोखरीको साइड चाहिँ जग्गामा इन्टर हुँदैछौँ। उता ल हाँसेरी खेल्ने मजाले नाकको बिचमा हो यसमा। यो पोखरीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म सुन्न चाहन्छु। यो फोन चाहिँ वाटरप्रुफ होला, एकपल्ट ट्राई गरिहाल्नु गरौँ कि नगरौँ। यो फोन चाहिँ यहाँ हाल्यो भने चाहिँ केटाले निकाल्छु भन्दैछ। एकदम फक फक लाग्दैछ, के देखेको छैन है। उमातिर पनि बसेर आउँछ उमाथि उहीँ जान्छ तपाईँ चाहिँ हाल्छ भने यहाँ त्यो के छ मनत छ कि मनत। तर
गाइस हैन खुत्रा पैसा हाल भन्दैछ यसले यहाँ म गाडी भाडा नभएर हिँड्दै जाँदैछु घर यसले खुत्रा पैसा हाल भन्दैछ के हो भाइस यो म के भन्नु यसले तैँले अब यहाँनिर गाडीमा जाने पाए छैन मैले भन्दै छैन हो तर यहाँनिर एक रुपियाँ टक्क टक्क लाइसेन्स एक रुपियाँ हजार रुपियाँ हुन्छ त्यस्तो लाग्यो भने कुरा चाहिँ एउटा त्यसो भने एक सय रुपियाँ म थाक हालिदिन्छु म त फेरि तपाईँ एक सय रुपियाँ हालिस पाउँदै छ एक रुपियाँ हालिदिन्छु पाउँछ एक बक्सा हालिदिन्छु म ल गाइस अब चाहिँ पानीले पिप्लास भयो मतलब यो यो यस्तो दिन त तर हाम्रो सिमानासम्म नै मात्रै छ एकडो सबैसम्म छैन एकडो यो त जोरबोकी एकदम अलिक सुक्यो भने अलिक अल्टिट्युड ज्यादा भएको कारणले गर्दा अलिक धुम्मा भएको कारण अलिक जाडै छ अलरेडी अलरेडी अब सुकि सुकि भयो अलरेडी अलिकति अब धुम्मा धुम्मा फगी एरिया होइन यहाँ सेलामानहरू पनि पाउँछ एकडो यो जोरबोकी यो यता लज हो यो यु क्यान स्टे हियर लजिङ फुडिङ अल आर ट्रेकर हर्स दिस ट्रेकर हर्स सब एभाइलेबल यहाँबाट मिल्छ है त एकदम रास्ता एकदम एकदम क्लियर है रास्ता एकदम आप जब सिलगढी एनजेपीसी आउँगे तो सिधा पशुपति हर्स सिमाना होकर ऊपर में एक जो छोटा सा रास्ता है वहाँ से आप ऊपर जो पकड़ी आ सकते हैं तो कैसा लग रहा है आज के ऐसा हमारे ट्रैक को भैया बढ़िया बढ़िया भैया अभी ये होमस्टे है हाँ जी अभी होमस्टे है लेकिन अभी तो चल रहा है तो सेलामेंडर टूरिस्ट लोग यहाँ पर अभी सेलामेंडर भी मिलता है यहाँ पर यार देखो तो सेलामेंडर होमस्टे लॉज आप हम नीचे माने मंजिंग की तरफ बढ़ रहे तो स्विमिंग सिमाना पहुँचने वाले यहाँ छोड़ी दिए यहाँ से पूरा एक किलोमीटर लग रहा लगता है तो लेकिन पूरा यहाँ पर अच्छे रास्ता है एकदम अच्छा रास्ता है आपको लग रहा होगा यहाँ पर इतनी ज़्यादा पाइन ट्री है ऐसा ही यहाँ पर रास्ते में बहुत पाइन ट्री मिलेगा देखो तो इतना अच्छा व्यू मिल रहा है व्यू तो एक पल कभी नहीं सिर्फ यहाँ पर फॉग लगा है नहीं तो मैं आपको व्यू दिखा देता।